हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हैट आरो में। आज की पिकअप कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका सितंबर का महीना कैसा बीतेगा, आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ, आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। तो आपको अपनी स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही होगी। आपको एज यूजुअल मैंने चारों एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ग्रुप वन है अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ग्रुप टू है एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ग्रुप थ्री है फायर साइंस, एरीज, लियो, सैज। और ग्रुप फोर है वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपको सभी राशियों के हिंदी नाम, टाइम स्टैम्प्स, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये रीडिंग आप अपने जोडिया के लिए भी देख सकते हैं, जो कुंडली वाला आपका साइन है उसके लिए भी देख सकते हैं। तो आप अपनी राशि के टाइम स्टैम्प पर जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सॉलिट्यूड, बैलेंसिंग एक्ट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। ये महीना शुरुआत में जितना स्लो पेस्ड आपके लिए रहेगा करियर वाइज, मतलब बिजनेस कम आ रहा है या फिर ऑफिस में काम ज़्यादा नहीं मिल रहा है या बड़े स्लो पेस्ड बेसिकली सब कुछ चल रहा है, उतना ही गति पकड़ेगा आपका करियर महीना ख़त्म होते होते। एकदम से बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं या ग्राहक आ रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स एक के बाद एक लाइनअप हो रही हैं, बहुत प्रेजेंटेशंस आपको देने के लिए बोली जा रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर आपको टास्क कर दिया गया है, उस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद इस समय आप लोग टू माइंड्स में हैं कि अभी जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं आपको वही कंटिन्यू करना चाहिए है या अब आपको उस चीज़ को छोड़ करके और एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए है। अगर ऐसा है तो आपकी गाइडेंस बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आप और एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करें। सिर्फ हाथ धो करके उसी एक एरिया के पीछे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जहाँ अभी तक दाल आपकी नहीं गल पाई है। सक्सेस के चांसेस बाकी फील्ड्स में यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस बैठाने में इस महीने आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, स्पेशली महीने के आखिरी के एक दो हफ्ते में जब काम बहुत बढ़ जाएगा, उस वक्त पर अपने खुद के लिए, घर वालों के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको मिड मंथ में कोई जॉब का ऑफर आ सकता है और आप यहाँ पर उसके प्रोज एंड कॉन्स बैलेंस करते हुए देख रहे हैं कि अच्छा, अगर मैंने अपनी करंट कंपनी या करंट जॉब छोड़ दी तो कैसा रहेगा, या फिर अगर इसी जॉब में कंटिन्यू किया तो कैसा रहेगा। तो थोड़ी सी कश्मकश वहाँ पर है, थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी आपके करियर से इस समय आ रही है अर्थ साइंस। ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्मीदें और थी अपने आप से, अपने करियर से, और अभी तक वो चीज़ें या जो भी माइलस्टोन्स आपने मन में सोच करके रखे थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। और क्योंकि जैसे मैंने बताया महीने की शुरुआत इतनी कोई खास होने नहीं वाली है, बड़े स्लो पेस होने वाली है, तो ये डर और बढ़ सकते हैं मन में। लेकिन आपको इसी को काउंटर करना है, ये जो कंफ्यूजन है, ये जो कश्मकश चल रही है दिमाग में, इससे बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो आखिरी कार्ड है वो बहुत पॉजिटिव है, सक्सेस इंडिकेट कर रहा है, इसलिए स्पिरिट आपको इस चीज़ की कॉन्फर्मेशन देना चाह रहे हैं कि जो भी जॉब में अभी आप हैं, जो भी करियर अभी आपका है वो अच्छा है, वो आपके लिए ठीक है। इट्स जस्ट दैट जैसी तरक्की, जैसी ग्रोथ, जैसी प्रोग्रेस शायद आप चाह रहे थे अभी आपको नहीं मिली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कभी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट वो जो स्पीड आप देखना चाह रहे हैं अपने करियर में आते हुए, वो इसी महीने के आखिर ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है मिल्क एंड हनी, इमेजिन, और टैरो कार्ड से है एट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। आपकी लव लाइफ इस महीने आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी बीतते हुए नज़र आ रही है यहाँ पर। आप में से बहुत सारे लोगों को जो सिंगल हैं स्पेशली, आपके वर्क प्लेस पर कोई इंसान आस्क आउट कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, डेट पर चलने के लिए पूछ सकता है। ये इंसान या तो एज में आपसे छोटा है या फिर इसने कंपनी आपके बाद ज्वाइन की है,
ये भी मुमकिन है कि ये आप ही के ऑफिस में ना हो लेकिन उस सेम ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हो, या फिर इनका लाइन ऑफ वर्क वही हो जो कि आपका है। अगर आपने इनको एक चांस देकर के देखा तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि जो भी आप अपनी धारणा बनाएंगे इस इंसान को लेकर के, या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, उससे बेहतर ही ये शख्स साबित होगा। ये डेट भी आपके एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही जाएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो सिंगल हैं, लेकिन उनका ध्यान अभी डेटिंग एंड लव के ऊपर नहीं है। आपको भी मैं बता दूं यहाँ पर कि अनएक्सपेक्टेडली कोई आपको अप्रोच आपको भी करता हुआ दिख रहा है। ये इंसान हो सकता है आउटराइट आपको आस्क आउट ना करे, लेकिन हाँ अपने एक्शन से, अपने वर्ड से ये इतना ज़रूर क्लियर कर देंगे कि ये आप में इंटरेस्टेड है। उसके बाद आप चीज़ों को अपने तरफ से कैरी मतलब आगे लेकर के जाते हैं या नहीं, वो ऑफकोर्स आपकी फेवर है। आप में से जो लोग मैरिड हैं या ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी दिख रही है सितंबर के महीने में। इनफैक्ट हो सकता है कि बीते हुए महीनों में थोड़ी बहुत झड़प आपके और आपके पार्टनर के बीच में हुई हो, कुछ कहा सुनी हो गई हो, कुछ गलत फहमी हो गई हो, वो सारी चीज़ों को इस महीने वॉश आउट करते हुए आप लोग दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, अपोलोजाइज एक दूसरे से करते हुए दिख रहे हैं, क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में हैं या सेपरेशन में हैं, वो इंसान की भी अपोलॉजी आपको इस मंथ आ सकती है। इनफैक्ट ये एक ऐसी घटना है जो जिसके बारे में शायद आपने सोचना बंद कर दिया है। आपको लगता होगा कि ये उम्मीद करना बेकार है इस इंसान से, आई डोंट थिंक इनको कभी भी अपनी गलती रियलाइज़ होगी, आई डोंट थिंक अब ये कभी भी अपनी तरफ से मुझे अप्रोच करेंगे, बट एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। ये सामने से आपको अप्रोच करेंगे, अपनी गलती भी कबूलेंगे, उसके ऊपर से क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स एंड मिल्क एंड हनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपसे अपोलोजाइज करने के बाद ये प्रस्ताव रखें आपके सामने कि क्या आप फिर से इनको डेट करना चाहेंगे या फिर नहीं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्रिएशन, अबंडेंस, किंग ऑफ वंड्स और थ्री ऑफ वंड्स। ऑल राइट, सो डेफिनेटली विथ क्रिएशन इस महीने आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देते हुए दिख रहे हैं अर्थ साइंस। आप में से कुछ अर्थ साइंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनके चार्ट में फायर साइंस भी मौजूद हो बहुत स्ट्रांगली। खैर, कमिंग बैक टू योर हेल्थ, इस महीने आप कोई प्लान फॉर्मुलेट कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। कोई पर्टिकुलर डाइट चार्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज रूटीन आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर को या योगा सिखाने वाले इंसान को या और किसी हेल्थ इन्फ्लुएंसर को आप लोग फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी है, जो भी पहल आप कर रहे हैं अपने हेल्थ के प्रति इस महीने, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखते हुए मिल रहे हैं। थोड़ा वेट आपको उन रिजल्ट्स के लिए करना पड़ सकता है। अगर आपने मान लो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट किया है तो उसका रिजल्ट जा कर के हो सकता है आपको थर्ड वीक ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स देखने को मिले, तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चेंजेस होना चालू हो जाएंगे आपके फिजिकल अपीयरेंस में, आपके एनर्जी लेवल्स में चेंजेस लोगों को दिखेंगे। आपको नहीं दिखेंगे लेकिन लोग आपको सामने से आकर के कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन अगर आप ऐसे घर में रह रहे हैं अभी जहाँ पर या तो आपके या आपके घर वालों के पैसे दवाइयों में बहुत खर्च हो जाते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो इस महीने नहीं होगी। उतनी तो डेफिनेटली नहीं होगी जितनी हमेशा हुआ करती है। तो इस महीने हेल्थ सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके घर में जो और लोग रह रहे हैं उनकी भी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। एक चीज़ है, इस महीने क्योंकि आपके हेल्थ गोल्स बहुत क्लियर हैं और उसमें आप काफ़ी प्रोग्रेस करते हुए भी दिख रहे हैं, आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि जो लोग हमेशा अपने खुद के बारे में या इन जनरल नेगेटिव ही बोलते रहते हैं कि अरे ये सब करने का क्या फ़ायदा, एक दिन तो यही होना है या फलाना ढमकाना, ऐसे लोगों से जो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक बेंड के हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है आपको। क्योंकि आप जब ये काम स्टार्ट करेंगे आपके अंदर बहुत उम्मीद होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आकर के उस पूरी चीज़ के ऊपर पानी डाल दो और आप अपने गोल से डगमगा जाओ। इस महीने का आपका जो गाइडेंस है वो है टर्टल, जो कह रहा है बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। तो देखो, आपके जो हेल्थ है उसमें भी ये निकल के आया है कि रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन थोड़ा वेट
वेट करने के बाद करियर में भी स्टार्टिंग में बताया था कि करियर प्रोग्रेस करेगा लेकिन थोड़े से डिले के बाद। तो मीनवाइल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, आपको बस प्रोसेस को एंजॉय करना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है कि आपको जिस भी दिशा में ले जाया जा रहा है वो आपके लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, और अपनी खुशी को डेफिनेटली प्रायोरिटाइज करना है इस मंथ। आपका इस महीने का मैसेज है आर्कएंजल राफेल जो कह रहा है प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। तो इस महीने ये आर्कएंजल आपके साथ बहुत क्लोजली काम करने वाले हैं अर्थ साइंस, ताकि आपका माइंड बॉडी स्पिरिट ये तीनों ही चीज़ों को ये ठीक करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपकी हेल्प कर सकें। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं अर्थ साइंस। आई होप आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आप सभी बात मिलती हूँ, बाय। हेलो एयर साइंस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा, और उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो है इंटेंशन, जेंटल गार्डनर, फाइव ऑफ वॉन्स और टू ऑफ वॉन्स। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के चार्ट में अर्थ साइंस यानी कि टॉरस लोगों कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्गली मौजूद हो। खैर, 222 रिपीटिंग आपको इस महीने बहुत देखने को मिल सकता है, हो सकता है बहुत टाइम से ही आपको रिपीटिंग टूज इन जनरल दिख ही रहे हों। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये महीना करियर वाइज स्पेशली आधे से ज़्यादा महीना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में एक कोई गोल फिक्स्ड है, फॉर इंस्टेंस मुझे इस महीने इतने पैसे कमाने हैं, या मुझे इस महीने इतना बिजनेस करना है, या मुझे इस महीने ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अपना ख़त्म कर देना है, या मुझे इस वाली टीम में हर हालत में असाइन हो जाना चाहिए। लेकिन उस चीज़ में चुनौतियाँ आते हुए दिख रही हैं, या तो आपके बदले वो प्रोजेक्ट किसी और को मिल जा रहा है, या फिर जितने बिजनेस की आप अपेक्षा कर रहे थे वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो उससे आपकी एनर्जीज थोड़ी सी हिलती हुई दिख रही हैं। आपका विश्वास अपने काम के ऊपर से, अपने आप के ऊपर से डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट आए जब आपको लगे कि ये मैं जो कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ इसका फ़ायदा ही क्या है, अगर मुझे उस तरीके के रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो मैं ये काम करूँ ही क्यों, मैं इस कंपनी में क्यों काम कर रहा हूँ, या मैं ये पर्टिकुलर बिजनेस क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, या मैं ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम बार बार क्यों दे रही हूँ या क्यों दे रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर आपके कार्ड्स की ये है कि आपको ये भी बताया जा रहा है कि क्या हो सकता है, बट साइमल्टेनियसली गाइडेंस भी आपके लिए आए कि आपके जो इरादे हैं अपने करियर को लेकर के वो बहुत मजबूत हैं और उन्हें बदलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस रीडिंग से आपको स्पिरिट ये नहीं बोल रहे कि हाँ ये वाला एग्ज़ाम मत दो, या ये तो कंपनी तुम्हारे लिए बेकार है इसको छोड़ दो, या ये वाला बिजनेस अपना बंद कर दो। वो बस आपको बोल रहे हैं यहाँ पर जेंटल गार्डनर के साथ कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको अपना ब्लॉकेज मत बनने दो। ये मत सोचो कि अब तो बस आगे यही होगा मेरे साथ, अब तो हमेशा बस ये चैलेंजेस का ही सिलसिला जारी रहेगा और कभी भी मेरी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। उस माइंडसेट से खुद को बाहर निकालना है। इनफैक्ट जेंटल गार्डनर के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ये एल्डरली प्रेजेंस आपको दिख रही है ऊपर फ्लोट करते हुए। इससे स्पिरिट आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि इस चैलेंजिंग वक्त में भी वो खुद, उसके अलावा आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, हर कोई आपका साथ दे रहे होंगे और वो इंश्योर करेंगे कि चीज़ें इतनी ख़राब ना हो कि आपको समझ ही में ना आए कि अब मैं करूँ क्या। वो आपके डर का वहम होगा, वो वास्तविकता नहीं होगी। आपको ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर 5 और 2 के साथ कि जो भी चैलेंजेस का सामना आप कर रहे होंगे महीने की शुरुआत में, वो जो गैप है महीना ख़त्म होते होते, इनफैक्ट अगर आप ये 2 of Wands का कार्ड देखो तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली कि ये वॉन्ट्स कन्वर्ट कर जाएंगे एक पॉइंट पर आगे आकर के। तो आपके जो गोल्स हैं आप उनको डेफिनेटली मीट कर लेंगे, लेकिन हाँ ये है कि शायद आपके दिमाग में कोई टाइमलाइन हो, या जैसे मैंने बताया था कि महीना एंटर करते ही आपने कुछ गोल सेट किए, तो उस समय हो सकता है वो चीज़ ना हो सके। लेकिन जेंटल गार्डनर के साथ स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि आप छोड़ दो वो चीज़ें, आपको वही काम, वही बिजनेस, वही नौकरी, वही एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि इवेंचुअली वो जो गैप है आपके एफर्ट्स और आपके गोल्स के बीच में वो कम होता जाएगा होता जाएगा। तो आपको ये जो जर्नी है आपकी, बीच रास्ते में हाथ नहीं खड़े करने हैं।
अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। इनफैक्ट विथ इंटेंशन ओवर योर एयर साइंस, इस महीने अगर अपने करियर से संबंधित गोल्स के लिए आप लोग मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मेडिटेशन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, उससे आपको अपने मन की इस बेचैनी को शांत करने में मदद मिलेगी। लव लाइफ के लिए आपके कार्ड्स हैं रीजेनरेशन, अ चेंज इन द विंड, द हर्मिट एंड टेन ऑफ वंड्स। आप में से जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत समय से आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए ढंग से टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वो अपने कामों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, आप अपने कामों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। लेकिन यहाँ पर विथ अ चेंज इन द विंड, इस महीने आप और आपके पार्टनर दोनों ही कॉन्शियस एफर्ट्स करेंगे कि सिर्फ काम में या सिर्फ इन सब चीज़ों में उलझे नहीं रहना है, अपने अपने पार्टनर्स के लिए भी टाइम निकालना है। तो वो चीज़ यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, मुझे ये तो नहीं दिख रहा है कि आप लोग किसी के साथ कमिटमेंट में आने वाले हो, बिकॉज़ ये मुमकिन है कि कोई शख्स आपकी लाइफ में आए या आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपके खुद के कोई ब्लॉकेजेस हैं लव लाइफ को लेकर के। आपका जो नज़रिया है प्यार के प्रति, उसमें कुछ ब्लॉकेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको शायद ट्रस्ट नहीं हो पाता है बहुत इजीली लोगों के ऊपर, या आप अभी तक अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, जो भी हो अलग अलग लोगों के लिए, उन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसका रीज़न यहाँ पर दिख रहा है कि शायद अब आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं उन्हीं उन्हीं पैटर्न्स में या उसी सोच में जीने से, तो उन इश्यूज़ के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसी को कमिटमेंट देते हुए आप नहीं दिख रहे हैं। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं या सिचुएशनशिप है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर कि वो इंसान यू टर्न लेकर के इस महीने आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और क्या रीज़न था कि वो क्यों एकदम से आपकी लाइफ से चले गए थे, क्यों एकदम से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आपको दे सकते हैं। और जहाँ तक है वो एक्सप्लेनेशन उनके करियर से संबंधित या मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इन्हीं लाइंस के ऊपर कुछ वो एक्सप्लेनेशन हो सकता है। लेकिन ये कोई एक्स नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे आप डेट कर चुके हैं, कोई ऐसा इंसान है जो लाइफ में था, डेट किया जा सकता था उससे, लेकिन बात कभी उस स्टेज तक आ नहीं पाई, उससे पहले ही आप लोगों का सेपरेशन हो गया था, तो वो शख्स वापस आते हुए दिख रहा है। अगर आप लोग एक ऐसे मैरिड कपल हैं जहाँ पर आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर के इन-लॉज प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कनेक्शन में, और ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में नहीं आती, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सास ससुर जानबूझ करके प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ यकीन नहीं करते हैं आपको जब आप उनको बताते हो, तो बेसिकली वो जो भी लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इस मैरिज में, उनकी हकीकत भी बाहर आते हुए नज़र आ रही है इस मंथ। अब जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ग्रीफ, विजडम, टू ऑफ पेंटिकल्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो आपके लव लाइफ वाले इशूज से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर में थोड़ा जो डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पर दिख रहा है उससे संबंधित हो, बट बेसिकली आपको सुकून उतना मिलते हुए नहीं दिख रहा है। और ये खुद ही का ऑफ कोर्स, मतलब आपके खुद ही के दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसी रीज़न से है। बहुत गुमसुम रहना, मायूस रहना, मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाना, फ्यूचर में क्या होगा वो सोच करके बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाना, घबरा जाना, पैनिक अटैक्स आ जाना, एनजाइटी ट्रिगर हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ इस महीने। लेकिन जब जब ऐसा हो तब तब बहुत बहुत क्लियर कट गाइडेंस यहाँ पर आपके लिए कि इन चीज़ों से आपको अकेले नहीं डील करना है, क्योंकि विजडम यहाँ पर बता रहा है कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं, या एटलीस्ट बात करके ही आपका मन हल्का कर सकते हैं। चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, आपके सिबलिंग्स हों, या फिर आपका थेरेपिस्ट हो, तो ये जो कोई भी लोग हैं इनसे आपको डेफिनेटली अपने इमोशंस शेयर करने हैं,
जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे उतना ही लाइटर आप महसूस करेंगे, उतना ही बेटर आप महसूस करेंगे और उतनी ही स्ट्रेंथ आपको मिलेगी कि आप इस दौर से बाहर निकल करके आ सकें और अपनी जो पेशेंस है या जो आपका ये इरादा है इस पर आप अटल रह सकें। ऑल राइट, इसीलिए ये मत सोचना कि आप अकेले हो, कोई है नहीं आपकी बात सुनने के लिए या कोई समझ नहीं पाएगा, कोई सुन नहीं पाएगा। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप मान लो अकेले रहते हो या कोई नहीं है ऐसा जिससे घर पर आप बात कर सको, तो आप डायरेक्टली स्पिरिट से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो या आप आउट लाउड उनसे बात करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, बट मन हल्का करना दैट हैज़ टू बी योर फोकस। इनफैक्ट अगर कभी कभी रोने का मन करे तो बहुत बार आपने भी सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि कभी कभी रो लेने से भी मन हल्का हो जाता है। तो अगर कोई भी इमोशन हो, खुशी हो या रोना हो, जो भी है, उसको एक्सप्रेस ज़रूर करना, अपने अंदर कंट्रोल करके मत रखना। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ जो चल रही है, स्पेशली पिछले पिछले 7 या 2 महीने से अगर कोई प्रॉब्लम आपके चल रही है फिज़िकल हेल्थ से संबंधित, कोई मसल पेन है या कुछ भी है, तो उसका करेक्ट ट्रीटमेंट इस महीने आपका होता हुआ दिख रहा है और वो प्रॉब्लम फिर ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगी। इस महीने का आपका एडवाइस है गिनी पिग, जो कह रहा है डू योर पार्ट टू इल्यूमिनेट द यूनिवर्स। बहुत क्लियर गाइडेंस है यहाँ पर। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं एयर साइंस कि आपको इस मंथ सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है। आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, आपकी खुशी किन चीज़ों में है, बस वो। आप फॉर एग्जांपल मान लो कि आप एक स्टार हो और आप शाइन कर रहे हो, अब उस वाले की शाइन मेरे से ज़्यादा है या उस वाले का अलाइनमेंट मेरे से ज़्यादा बेटर है, इन सब थॉट्स में आपको नहीं खो जाना है। क्योंकि एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल कि यूनिवर्स आपको खुद बोल रहे हैं कि आप उनका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, तो आप अपने आप को किसी से कम मत समझना और आप ये मत समझना कि आपका कभी कल्याण होने नहीं वाला है, बिकॉज दैट इज़ नॉट ट्रू। इस महीने का आपका जो एडवाइस है वो है इल्यूजन, जो कह रहा है एम्ब्रेस द ट्रूथ। अगेन यहाँ पर डबल मैसेजेस आपके लिए हैं। पहली बात तो ये कि अगर चैलेंजेस आए भी करियर में तो उनसे मुंह नहीं मोड़ना है, उनसे जीत करके उस चीज़ को ओवरकम करना है। ये नहीं कि हाथ पैर खड़े कर दिए कि नहीं मुझे तो डील ही नहीं करना है इस चीज़ से, तो पहली बात तो वो हो गई। दूसरा, ये जो लव लाइफ में आपके ब्लॉकेजेस चल रहे थे वो एग्जैक्टली वो इश्यूज़ क्या हैं, कहाँ से आपको मदद मिल सकती है उनके ऊपर काम करने की, वो चीज़ों को थोड़ा टटोलने की ज़रूरत है। और थर्ड, आपकी हेल्थ से संबंधित कि जो भी इमोशन सर्फिस पर आ रहे हैं उनसे भी मुंह नहीं मोड़ना है, वो आप ही का पार्ट है, तो उनको एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है, फील करना है और फिर हील करना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं एयर साइंस। आई होप आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो फायर साइंस एरीज लियो सैज, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं वन रिंग सर्कस, रेस्क्यू, द फूल और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, मंथ की स्टार्टिंग में बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है फायर साइंस कि आपको कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा काम या कोई इस तरीके का क्लाइंट मिल सकता है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनके साथ आप डील कैसे करो। इनफैक्ट बहुत टाइम तक आपको झिझक महसूस हो सकती है हेल्प मांगने के लिए, जबकि पूरी रिक्वायरमेंट है कि कोई और आपकी हेल्प करे, बिकॉज अकेले आपके बस का नहीं है। ये भी मुमकिन है कि ये जिस तरीके का क्लाइंट है या जिस तरीके के प्रोजेक्ट या टास्क में आपको डाला गया है वो अपने आप में बिल्कुल ही नया है आपके लिए, तो उस रीज़न से भी आपको खुद ही चार जगह हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं समझने के लिए कि इस चीज़ को करना कैसे, इस काम को करना कैसे। अच्छी बात लेकिन यहाँ पर यह है रेस्क्यू कार्ड के साथ कि कोई आपकी इस स्ट्रगल को देखते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए दिख रहा है। कोई एक ऐसा है आपके आसपास, आपका कोई सीनियर या आपके ग्रुप का कोई इंसान जिसको दिख जाएगा कि आपके लिए ये चीज़ अकेले करने में थोड़ा सा टफ हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो वो सामने से आपको हेल्प ऑफर करेंगे, सामने से आकर के आपको गाइडेंस देंगे, आपको सॉल्यूशंस देंगे, आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकता है बताएं, और उस
चीज़ के बाद, जब ये चीज़ हो जाएगी कि किसी ने आकर के आपको बता दिया है, गाइड कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर क्लियर है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये जो भी आपके दिमाग में डर चल रहा था या डाउट चल रहा था इस बात को लेकर के कि ये मुझसे कैसे होगा या मैं कैसे कर पाऊंगा या कैसे कर पाऊंगी, वो सारे डर आपके दूर हो जाएंगे एंड एकदम इत्मीनान, सुकून, राहत आप महसूस करेंगे, विच इज़ गुड। तो बेसिकली शुरू में लग सकता है ऐसा कि कैसे होगा नहीं हो पाएगा, बट हो जाएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। इनफैक्ट बिना मांगे हेल्प यहाँ पर मिलते हुए आपको दिख रही है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है आप लोगों को एटलीस्ट 2-3 हफ्ते का ब्रेक लेने के लिए अपने प्रेपरेशन में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वो मेंटल एग्जॉशन, बर्नआउट वाली एनर्जी में आप लोग दिख रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आपके घर वाले, आपके दोस्त या जो कोई भी आपको पढ़ा रहा है, वो खुद भी आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा अपने दिमाग को आराम दे दो, थोड़ा सा अपनी आँखों को आराम दे दो। तो उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपने रेस्ट नहीं लिया, अगर आपने ब्रेक नहीं लिया, तो जैसे कि मैंने बोला कि अभी आपको बर्नआउट वाली स्टेज पर आ गए हो, तो वो आपके एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट कर सकता है। पेपर लिखते लिखते नींद आ गई या आंसर आता था बट दिमाग इतना क्लटर्ड है कि ऑन द स्पॉट आंसर नहीं आया दिमाग में कि क्या लिखना था, या कुछ गलत लिख करके आ गए। ताकि ये सिचुएशन ना हो, इसलिए एटलीस्ट 1-2 हफ्ते के ब्रेक पर आपको चले जाना चाहिए। अगर आप लोगों का अपना खुद का बिजनेस है तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको कोई कोलैबोरेशन का ऑफर आता हुआ दिख सकता है, या फिर आपके घर में ही कोई मेंबर, स्पेशली अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आप अभी अकेले खुद कर रहे हैं बिना किसी की हेल्प के, तो वहाँ पर वर्कलोड एकदम से बहुत बढ़ सकता है, बहुत सारा बिजनेस आ सकता है और अकेले आपसे शायद हैंडल ना हो पाए। तो आपके घर का कोई मेंबर या आपके फ्रेंड सर्कल का कोई मेंबर आकर के आपकी हेल्प कर सकता है कि वो सारी चीज़ें आप आराम से जो भी है डिलीवर कर सको। ओके, अब आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं न्यू लाइफ, ट्रेजर आइलैंड, फोर ऑफ कप्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पिछले 1-2 हफ्ते से शायद चीज़ें कोई इतनी खास आप लोगों के बीच में नहीं जा रही हैं। थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया है कनेक्शन, बोर्डम आ गया है इसमें। अपनी अपनी लाइफ में पार्टनर्स बिजी हैं, एक दूसरे के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप या आपके पार्टनर दोनों ही कॉन्शियसली उस एनर्जी को ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा वापस से स्पाइस अप उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चाहे ये ऑनलाइन वापस से ऐसे फ्लर्टी टेक्स्ट एक दूसरे को भेजना हो, या फिर साथ में कहीं वेकेशन पर जाना हो, वो एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। बट बेसिकली वापस से जान डालना उस रिलेशनशिप में या उस मैरिज में, उसके ऊपर आप लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग इस समय सिंगल हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको लोग अप्रोच नहीं करते रहते हैं, हो सकता है आए दिन कोई ना कोई आपको अपने दिल का हाल बताते रहता हो, लेकिन जो भी अभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है। बट अचानक से ऑनलाइन ही, चाहे वो कोई डेटिंग ऐप हो, चाहे वो कोई मैट्रिमोनियल ऐप हो, चाहे कोई सोशल मीडिया ऐप हो, वहाँ पर कोई इंसान आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। और पहली बार ऐसा होगा कि किसी इंसान ने आपको अप्रोच किया है और उनकी प्रोफाइल देख करके या वो किस तरीके से आपसे बातें कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, आपको उस इंसान में इंटरेस्ट आ जाएगा। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आप उस इंसान को जानेंगे, आपको उतना ज़्यादा लगेगा कि अरे यार, यू नो, आई वॉन्ट टू गेट टू नो देम मोर, मुझे और जानना है इन्हें, मुझे इनके साथ और टाइम स्पेंड करना है, मुझे अच्छा लग रहा है इनके साथ बातें करना, हैंग आउट करना। तो बहुत प्रॉमिसिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। कमिटमेंट आप उन्हें सितंबर में देते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, डेफिनेटली डेट्स पर जाना, एक दूसरे को और बेहतर समझना, वो सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। अगर आप लोग इस समय किसी के साथ सेपरेशन में हैं या सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, वो इंसान आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। कोई छोटा मोटा मैसेज वो ऑनलाइन आपको भेज सकते हैं, अगर आपने उनको ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो, अदरवाइज किसी फेक प्रोफाइल से। लेकिन न्यू लाइफ और फोर ऑफ कप्स ने बहुत क्लियर कर दिया कि आप लोग एंटरटेन उनको नहीं करेंगे। चाहे उन्होंने जितना भी बड़ा या छोटा मैसेज क्यों ना लिखा हो, जितना ही वर्ड टू वर्ड, मतलब
सेंटी सा मैसेज हो या जैसा भी हो, आप लोग कुछ खास उसको भाव उस इंसान को देते हुए नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है या कोई आ जाएगा, या आप लोग अपने आप में अपनी लाइफ में मस्त हैं, खुश हैं, और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है अपने पास्ट में वापस से जाने का या उस इंसान के वापस से मुंह लगने का या उससे बात करने का। तो आप लोग या तो उसके मैसेज का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करोगे, या अगर करोगे भी तो क्लियर कर दोगे कि आप उनको कोई सेकेंड वेकेंड चांस नहीं देना है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फेथ, कंफ्यूजन, टू ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। हेडेक्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, स्ट्रेस, इन चीज़ों से इंड्यूस्ड हेडेक्स आपको हो सकते हैं इस मंथ, तो उस बात का आपको ख्याल रखना है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज आई थिंक यूनिवर्स के ऊपर या अपने खुद के ऊपर फेथ की थोड़ी कमी है। कोई भी नई चीज़ आ रही है, कुछ हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आप कर नहीं पाओगे, और या फिर अगर आपने कर भी दिया वो काम तो आपको शायद वो तारीफ़ नहीं मिलेगी या वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। लेकिन आपको अपनी इस फेथ को स्ट्रेंथन करना है बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड्स स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है और डर बढ़ रहे हैं, तो उसको रिवर्स में होना है। कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, डर कम होना चाहिए, तो उस बात के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये हेडेक वाली चीज़ के अलावा और कुछ प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में सितंबर में नहीं दिख रही है, उल्टा इम्यूनिटी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको कोई स्पाइन के इश्यूज चल रहे थे वो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। आपको अपने वाटर इनटेक का ख्याल रखना है, फूड इनटेक का ख्याल रखना है। जो भी इस समय आपने अपना डाइट प्लान बना रखा है या वर्कआउट प्लान बना रखा है वो बहुत अच्छा है, उसी के ऊपर आपको स्टिक करना है। इधर उधर जा कर के नए नए लोगों से या वापस से नए नए वीडियोस देखना, नई नई चीज़ें ट्राई करना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर आप अभी तक स्टिक करते आए हैं उसी के ऊपर आप स्टिक करिए, वही है जो आपको ढंग के रिजल्ट आगे जा कर के देगा, या ऑलरेडी रिजल्ट आपको दिखना चालू हो गए हैं। इस महीने का आपका जो एडवाइस है वो है रैबिट, जो कह रहा है रिकग्नाइज योर सिग्निफिकेंस। अगेन ये एक रेपिटेटिव मैसेज आपके लिए यहाँ पर है फायर साइंस, जो कि बता रहा है कि ये चीज़ आपके लिए सुनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी खुद ही की काबिलियत के ऊपर यकीन नहीं है, जबकि आपको बार बार ये समझाया जा रहा है कि आप बहुत कमाल के इंसान हैं, आपके अंदर ऐसे टैलेंट्स हैं जो और लोगों के अंदर नहीं है, आपके पास वो स्किल सेट है जो और लोगों के पास नहीं है। तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक के जाल में नहीं फंसना है। और आपका इस महीने का मैसेज है वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। ये वेकेशन लव लाइफ में भी इंडिकेट हुआ था कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने के लिए जाएंगे। यहाँ पर भी आया था आपके करियर में कि अगर आपको बर्नआउट फील हो रहा है तो आपको थोड़े दिन का ब्रेक लेना चाहिए। एंड इन जनरल भी ये मैसेज आपके लिए है कि हर समय सिर्फ काम 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 काम, घर का काम, बाहर का काम, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अपने रिलैक्सेशन के लिए, अपने एडवेंचर के लिए, थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ के लिए घूमना फिरना, उन सब चीज़ों के लिए भी आपको इस मंथ टाइम निकालना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं फायर साइंस। आई होप आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि सितंबर में आपका करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं सैड एम्ब्रेस, मैजिक स्ट्रीम, थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन यहाँ पर आपका दिख रहा है आपके करियर से रिलेटेड वाटर साइंस। या तो आप अभी जो जॉब कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आ रही है, या फिर जिस तरीके का काम आपसे करवाया जा रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपका भी अपना खुद का बिजनेस है तो वहाँ पर शायद आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस थे ये बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उस बात का थोड़ा सा दुख है आपको। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम्स देते हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स, तो शायद कोई एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आप बहुत बार दे रहे हैं और हर बार आपको वहाँ पर किसी ना किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट फेस करने को मिलता है। तो जो भी सीन हो आपका फिलहाल, किसी तरीके की कोई खुशी यहाँ पर आपकी एनर्जी में नहीं झलक रही है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है आप
कंपेयर कर रहे हो अपने आप को अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि उनका बिजनेस तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, या फिर उनका तो देखो एग्ज़ाम निकल के अब जॉब भी लग गई है, या फिर वो मेरे फ्रेंड्स हमने साथ में इंजीनियरिंग की थी और वो तो इतनी अच्छी कंपनी में है, अब वो तो इतने खुश हैं अपने काम से और मैं कहाँ पर हूँ। ये थॉट्स बहुत ज़्यादा इस मंथ आपको दिमाग में आकर के परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो खास बात है आपकी रीडिंग की वाटर साइंस, वो ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरे महीने आप सिर्फ दुख ही मनाते रहेंगे। जो भी ये दिक्कत है उससे बाहर निकलने का रास्ता भी खुद ब खुद आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस, आप बैठ करके मान लो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और सडनली किसी कंपनी का वहाँ पर ऐड आ गया, और आपने जब पता किया उस कंपनी के बारे में तो आपको दिखा कि वो लोग को आपके ही प्रोफाइल से मैच करते हुए लोगों का रिक्वायरमेंट्स है, या कोई स्टार्टअप है, जो जो भी है, या फिर आप इधर उधर इंटरनेट पे अपना कुछ ढूंढ रहे थे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, एंड सडनली आपको पता चला कि कोई एक ऐसा कंपिटिटिव एग्ज़ाम है जिसका फॉर्म आ गया जो आपने आज से पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया है। क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली एक न्यू एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये जो भी सिचुएशन है जिसमें आप अभी दुखी हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे करियर फील्ड हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम का फील्ड हो, उससे बाहर हट करके, उससे बाहर निकल करके आप कुछ नया ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी नए तरीके का रोल, कोई नई कंपनी, कोई नए तरीके का बिजनेस, या फिर कोई नया ही एग्ज़ाम जो इससे पहले आपने कभी नहीं दिया है, और उसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स और सैड एम्ब्रेस के साथ कि बहुत टाइम से आप लोग डिसटिस्फाइड चल रहे हैं अपने करियर में, लेकिन ताकि आपके घर वाले परेशान ना हो जाएं, ताकि अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, वो लोग ना परेशान हो जाएं आपको दुखी देख करके, तो आपने ये फीलिंग्स अपने अंदर रखी हुई हैं और आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप किसी को बता नहीं रहे हैं कि इन सब बातों का आपको कितना स्ट्रेस हो रहा है। सो थैंकफुली इस सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सितंबर आपका लास्ट मंथ हो, मतलब आप अपना नोटिस पीरियड सर्व करो सितंबर में, एंड देन अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप किसी नई कंपनी में, नए रोल में ट्राई करो, या कोई नया एग्ज़ाम आप अक्टूबर में दो जो आपने से पहले कभी नहीं किया है, या फिर अक्टूबर की शुरुआत में आप अपना कोई नया बिजनेस डालो और सितंबर का मंथ आप उसकी प्लानिंग में इन्वेस्ट करो। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। एक और चीज़, अगर ये सीन नहीं है आपका, आप अपने करियर में खुश हैं, सब ठीक है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है आपके खिलाफ़, लोगों को भड़काया जा रहा है आपके खिलाफ़, तो ये जो कोई भी लोग हैं जो इधर उधर जा करके आपके बारे में झूठ झूठ फैला रहे हैं, उनकी असलियत सबके सामने, उनका पर्दाफाश होते हुए सबके सामने इस मंथ दिख रहा है। आपकी लव लाइफ के लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं यांग, टाइम फॉर अ नैप, पेज ऑफ वंड्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही दो एक्सट्रीम्स बटे हुए हैं यहाँ पर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं वाटर साइंस जिनकी मुलाकात इस महीने उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से होगी, और इसी महीने एक दूसरे को घर वालों से इंट्रोड्यूस कराना, रोके की बात हो जाना, सगाई हो जाना, शादी की डेट फिक्स हो जाना, वो सारी चीज़ें बहुत स्पीड से होते हुए दिख रही हैं। इनफैक्ट आपकी एंगेजमेंट या कोई एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट अक्टूबर में ही होकर के ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप में से एक दूसरा ग्रुप ऐसे लोगों का है जो अभी इतना सीरियस कुछ नहीं चाहते हैं, अभी वो सिर्फ डेटिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लव एक्सप्लोर कर रहे हैं। इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शंस तो आएंगे सितंबर के मंथ में, और आप थोड़े बहुत डेट्स पर भी जाओगे, लेकिन आप अपनी साइड से किसी को इतना कोई खास परसू करोगे नहीं। पता चला कि आप दो डेट्स पर गए किसी के साथ, तीसरी डेट पर जब उन्होंने आपको आने के लिए बोला तो आपने कोई ना कोई बहाना बना दिया, या आपने एकदम से उनसे बात करना ही बंद कर दिया, जो भी उसके पीछे आपका रीज़न हो, बट फिलहाल एनर्जी यहाँ पर यही दिख रही है कि किसी भी एक पर्सन के साथ आप स्टिक नहीं करेंगे इस मंथ। आप में से जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सब कुछ बहुत ही पीसफुल रहेगा, कोई कोई बहुत सिग्निफिकेंटली खास चीज़ भी होते हुए नहीं लव लाइफ में दिख रही है आपके, और कुछ ऐसा बहुत बुरा भी नहीं होता दिख रहा है, बड़ा
एवरेज सा आप लोग कह लो आपका लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ इस महीने रहेगी। इनफैक्ट थोड़ी सी कंप्लेन आपको आपके पार्टनर से हो सकती है कि वो उतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं रिलेशनशिप में जितना कि वो स्टार्टिंग में हुआ करते थे। उस बात पर थोड़ी सी झड़प आप लोगों की हो सकती है। अगर आप लोग सेपरेटेड हैं किसी से, किसी के साथ आप लोग सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, और अगर ये एक ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहा है या अब इस इंसान की किसी से शादी हो चुकी है, तो उस सब सिचुएशन के बावजूद भी वो आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपसे झूठ बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी शादी तोड़ दी है या उनका ब्रेकअप हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। वो बस आउट ऑफ बोरियत वहाँ से हट करके आपके पास वापस आए हैं। इसीलिए आपके लिए यही एडवाइजेबल होगा कि आप उनकी इस हकीकत को समझें और उन्हें दूसरा चांस ना दें अपना पीस बर्बाद करने का, क्योंकि वो आपको ऐसे बहुत दलीलें दे सकते हैं कि अरे वो मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ हो तो ऐसे हैं वैसे हैं और मैं तो उनको छोड़ने वाली हूँ, छोड़ने वाला हूँ, या हमारा डिवोर्स ऑलमोस्ट फाइनल हो ही गया है या और जो कुछ भी, या मेरा तो ब्रेकअप हो गया। बट ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रेक पर है, ब्रेकअप नहीं हुआ है उनका। और अगर आप नहीं चाहते हो कि वो आपको टाइम पास के जैसे ट्रीट करें, तो उनको एंटरटेन मत करना जब वो आए आपके पास इस उम्मीद में कि आपसे उनका थोड़ा मन बहल जाए। आप जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं इम्पेशंस, डिस्पोंडेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, सॉरी। ओके, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो आपको आपके खुद ही की खड़ी की हुई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है इम्पेशंस और ये पेज टू किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि कोई एक ऐसा गोल शायद आपके दिमाग में है जो आप बहुत डेस्परेटली अचीव करना चाहते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है कि मुझे एक ही महीने में मस्कुलर बॉडी बना लेनी है या मुझे इतना वेट लॉस कर लेना है, वॉट एवर। लेकिन दिक्कत सारी ये है कि बजाय कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान देने के, आप लोग का योगा कि एक ही दिन में बहुत सारा वर्कआउट कर लिया, या एक दिन तो बहुत अच्छे से डाइट किया और फिर उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, या ये भी मुमकिन है इनफैक्ट इम्पेशेंस के साथ कि आपको ऑनलाइन कोई ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपको ऐसे टारगेटेड एड्स दिखाएं कि हम 2 हफ्ते में आपका इतना फैट लॉस कर देंगे, या कोई आपको सप्लीमेंट बेचने का ट्राई करें कि आप ये चीज़ खरीद लो, इससे 2 हफ्ते में हम आपके इतने मसल्स बना देंगे, या जो भी आपकी डिज़ायर्ड आइडियल बॉडी है वो आप अचीव कर पाओगे, और आप बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आपको मिलते हुए यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं दिख रहा है। और क्योंकि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए उसके 2 तरीकों से वो फिर आप ही के ऊपर बैकफायर करेगा। एक तो आपके जो पैसे डूबेंगे उस बात का आपको बुरा लगेगा, प्लस आप कैसे इन लोगों की बातों में आ गए, कैसे उन्होंने आपको इतना कन्विंस कर लिया और आपने उनके ऊपर यकीन कर लिया और उसका कुछ निकला नहीं, इस चीज़ के ऊपर भी आपको बुरा लगेगा। तो उन बातों का फिर बाद में जा करके आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, बजाय इसके कि इम्पेशेंट होकर के एक दिन तो बड़े जोश में सब कुछ कर लिया और फिर ऐसी ऐसे पड़ गए कि दोबारा हिम्मत ही नहीं हो पा रही है वो सारी चीज़ें करने के लिए। एंड वही जो मैंने बोला था कि ये चीज़ यहाँ से भी क्लियर है, पेज एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के डिफरेंस से। थोड़ा पेट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इस मंथ, आपको पेट खराब हो सकता है आपका, ये पानी से भी हो सकता है या बाहर के खाने से भी हो सकता है। इन केस ऐसा हुआ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक वाटर साइन के साथ ऐसा हो, इन केस आपके साथ ऐसा हुआ तो यहाँ पर दिख रहा है कि या आपके घर में ही शायद एक कोई डॉक्टर है, अदरवाइज आप किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहाँ पर सबको बहुत अच्छी होम रेमेडीज़ पता हैं ऐसे छोटे मोटे चीज़ों के लिए। तो अगर ऐसा है तो पहले आप या तो आपके घर में जो डॉक्टर बैठा हुआ है आप पहले उसके पास जाइएगा, उनसे कंसल्टेशन लीजिएगा, अदरवाइज़ जो आपके होम रेमेडीज़ हैं आपकी मम्मी नानी दादी को पता हो उनसे बात करिएगा। तुरंत मेडिसिन नहीं आपको लेनी है, तुरंत सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, तुरंत अपने आप को डॉक्टर समझ करके ये वाली गोली खा ली, ये वाली गोली खा ली, ये सब नहीं करना है।
ओके, इस महीने का आपका जो एडवाइस है वो है बैट, जो कह रहा है सी थ्रू इल्यूजन इनटू ट्रूथ। ये मैसेज यहाँ पर तीन जगह आपके लिए रेजोनेट कर रहा है। पहला तो ये कि ये जो पास्ट का पर्सन आ सकता था आपकी लाइफ में, आने वाला है इनफैक्ट आपकी लाइफ में, ये बोल करके कि वो सिंगल हैं या उनका आप कोई कमिटमेंट नहीं है, वो झूठ है जो आपको पकड़ने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ हेल्थ में जो भी लोग आपको अपना प्रोडक्ट बहुत हाई दामों पर बेचने की कोशिश करें, उनका झूठ आपको पकड़ने की कोशिश पकड़ना है। थर्ड थिंग, आपके वर्क प्लेस में जो भी आपके बारे में झूठ बोल रहे थे उनका सच सामने आएगा। और अगर ऐसा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा डरा धमका रहा है या फिर आपको डीमोटिवेट कर रहा है कि आप जॉब छोड़ दो, उसमें उनका क्या फ़ायदा है, ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी कि अगर आप कंपनी से चले गए तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा जो वो इतना जब देखो तब आपको बोलते रहते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए, तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए। तो इन इस बात के ऊपर भी आपको फोकस करना है। और इस महीने का आपका मैसेज है चॉइसेस, जो कह रहा है मेक द बेस्ट चॉइसेस। ये भी इनफैक्ट आपके तीनों ही एरियाज़ के ऊपर फिट बैठ रहा है। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया था कि आप किसी को अभी कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, फेयर इनफ। लेकिन हाँ ये है कि जब कभी भी कमिटमेंट दें तो सोच समझ करके दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो बार किसी ने आपसे अच्छे से बात कर ली तो अब आपको लगे कि आप ऑब्लाइज्ड हैं उन्हीं को कमिटमेंट देने के लिए। आपकी लाइफ का फैसला है तो आपको सोच समझ करके लेना है। दूसरा, करियर में भी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जॉब की या बिजनेस की या एग्ज़ाम की, तो उसके अगर एक से ज़्यादा आ गए, एक से ज़्यादा जॉब ऑफर मान लो आ गया, तो प्रोज एंड कॉन्स वे करने के बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना है कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। एंड लाइकवाइज यहाँ पर भी आपको स्मार्ट हेल्थ चॉइसेस लेनी है, ऐसे क्विक रिजल्ट्स वाले चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं वाटर साइंस। आई होप आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा भी थे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।